أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمني الكتاب والحساب اللهم ذكرني منهما نسيت وعلمني منهما جهلت اللهم خذ بيدك मेरे बच्चों आज हम लोग फिजिक्स नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर टू का लेक्चर नंबर फोर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में जो हमारी बातचीत है जो हमारी गुफ्तगू है वो हुजूर वाला टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में होगी प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग काइनेमेटिक्स को डिफाइन कर चुके हैं पोजीशन को डिफाइन कर चुके हैं पोजीशन में चेंज कितने तरीके से आता है उसको देख चुके हैं कि पोजीशन क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक वेक्टर में जो चेंज है वो कितने तरीके से आता है पांच तरीकों से तीन तरीकों से एक ये कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए दूसरा ये कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए और तीसरा ये कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इकट्ठे चेंज हो जाए ठीक है ये मैंने आप लोगों को बताया था ठीक है ठीक है जी यहां तक किसी को मसला हो देर आर थ्री वेज टू चेंज द पोजिशन ऑफ ए बॉडी नंबर वन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस नंबर टू विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन एंड नंबर थ्री विद रिस्पेक्ट टू बोथ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन प्रॉब्लम किसी को आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो बात करनी है वो टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में करनी है अच्छा चेंज इन पोजीशन की बात हुई थी तो चेंज इन पोजीशन के बाद हम लोगों ने चेंज इन पोजीशन को नाम दिया था मोशन का ठीक है अगर हम पोजीशन को समझ लें और चेंज इन पोजीशन को समझ लें तो चेंज इन पोजीशन का कोई भी केस हमारे सामने आ जाए चाहे बॉडी का डिस्टेंस हमारे लिहाज से चेंज हो बॉडी मोशन में बॉडी की डायरेक्शन हमारे लिहाज से चेंज हो डिस्टेंस चेंज ना हो बॉडी फिर भी मोशन में अब आप पूछेंगे सर वो कैसे डिस्टेंस चेंज ना हो डायरेक्शन चेंज हो तो मैंने कहा आप किसी सर्कल के सेंटर पे बैठ जाएं और बॉडी आपके सर्कल में मूव करना शुरू कर दे बॉडी का आपसे डिस्टेंस चेंज नहीं होगा मुसलसल डायरेक्शन चेंज होगी ठीक है और एक वो केस जिसमें बॉडी जो है उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी और उसका डिस्टेंस भी आपसे चेंज होगा यहां तक किसी को कोई मसला हो पूछो मुझसे आगे चले जी जनाब टाइप्स ऑफ मोशन आज करनी है और टाइप्स ऑफ मोशन जो है वो मैंने कल प्रीवियस लेक्चर में भी आपको छोटा सा इसका एक जिसे कहते हैं कि इस पर हमने नजर डाल ली थी इसकी एक झलक मैंने आपको दे दी थी कि जनाब देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन एक को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं दूसरे को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं तीसरे को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं ठीक है जी तो ये टाइप्स ऑफ मोशन लिखी हुई आप सबको नजर आ रही होंगी अब टाइप्स ऑफ मोशन में बुक के ऊपर जो रिटन मटेरियल है उसको देख लें इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली अगर हम लोग बड़ा एहतियात के साथ मुशाहिदा करें वी विल फाइंड दैट हम लोग इस बात हमें ये पता चलेगा दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स हर चीज जो इस कायनात में है इज इन मोशन वो किस में हरकत में हाउएवर बाहर के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मूव डिफरेंटली मुख्तलिफ इजसाम जो हैं वो मुख्तलिफ अंदाज में हरकत करते हैं मुख्तलिफ और इजसाम की हरकत भी क्या है मुख्तलिफ है ठीक है जी सम ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कुछ इजसाम मूव करते हैं एक स्ट्रेट पाथ में और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं सम ऑब्जेक्ट्स मूव ऑन ए कर्व्ड पाथ कुछ मूव करते हैं किस पे टेढ़े रास्ते में कुछ स्ट्रेट पाथ पे मूव करते हैं और कुछ कर्व्ड पाथ पे मूव करते हैं एंड सम मूव इन सम अदर वे और कुछ जो है किसी और तरीके से मूव करते हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन ये आपके बुक पे लिखा हुआ मटेरियल है ठीक है अब ये आपको बताया जा रहा है जी ट्रांसलेटरी मोशन कौन सी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन दूसरा रोटेटरी मोशन और तीसरा जी वाइब्रेटरी मोशन प्रॉब्लम किसी को ट्रांसलेटरी मोशन जो है ये क्या है वॉच हाउ वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग गौर से देखिए मायना कीजिए हाउ किस तरह वेरियस मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स इजसाम आर मूविंग हरकत कर रहे हैं विद द मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन क्या वो एक स्ट्रेट पाथ में हरकत करते हैं मे बी हो सकता है कुछ स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हो और कुछ कर्व पाथ में मूव कर रहे हो
और कुछ zigzag बात पे, ठीक है ना। डू दे मूव अलोंग अ सर्कल, मे बी मूव कर सकते हैं। ए कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज ट्रांसलेशनल मोशन, एक कार जो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही होती है और इस पाथ में क्या है जी, खड़े भी नहीं है, उतार चढ़ाव भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट ओरिजिनल पाथ उस पे कार मूव कर रही है, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है। प्रॉब्लम किसी को? ए कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज ट्रांसलेशनल मोशन, सिमिलरली इसी तरह एन एरोप्लेन, ठीक है, एन एरोप्लेन एक हवाई जहाज मूविंग स्ट्रेट जो बिल्कुल सीधा मूव कर रहा है इज इन ट्रांसलेशनल मोशन, वो भी ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। इन ट्रांसलेशनल मोशन ए बॉडी मूव्स अलोंग ए लाइन, बागौर से सुनना, इन ट्रांसलेशनल मोशन ये आपकी बुक की डेफिनेशन बता रहा हूं, ट्रांसलेटरी मोशन में ए बॉडी एक जिस्म मूव्स हरकत करता है अलोंग ए लाइन एक लाइन पर, ठीक है, विदाउट एनी रोटेशन बगैर किसी गर्दिश के, बगैर किसी गर्दिश के, बात समझ आई नहीं आई? अब रोड पे कार जा रही है बिल्कुल, वो रोटेट तो नहीं कर रही है अपने गर्द, जैसे आपने कभी क्रिकेट में देखा हो बॉल आगे भी जाती है और रोटेट भी करती है, घूमती भी है, ऐसा नहीं, जा रही है थोड़ी और रोटेट नहीं कर रही, अपने गिर्द नहीं घूम रही, समझ आया नहीं है? अपने गिर्द घूमे बगैर अगर कोई बॉडी किसी लाइन पे मूव करती है तो वो ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है। द लाइन में भी स्ट्रेट आर कर्व, वो जो लाइन है वो सीधी भी हो सकती है और कर्व भी, टेढ़ी भी हो सकती है। प्रॉब्लम किसी को? जनाब डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच ए बॉडी मूव्स अलोंग ए लाइन, अलोंग ए पाथ, समझ आ गया, अलोंग ए पाथ, स्ट्रेट आर कर्व, वो सीधा भी हो सकता है और टेढ़ा भी हो सकता है, बट विदाउट एनी रोटेशन, बगैर किसी गर्दिश के, बगैर अपने गिर्द मुड़े, इस कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। आपकी बुक की डेफिनेशन नीचे लिखी गई है, साथ में बुक का रेफरेंस भी दे दिया। इन ट्रांसलेशनल मोशन ए बॉडी मूव्स अलोंग ए लाइन विदाउट एनी रोटेशन, द लाइन में भी स्ट्रेट आर कर्व। प्रॉब्लम किसी को? ट्रांसलेटरी मोशन, द ऑब्जेक्ट एज शोन इन द फिगर मूव्स अलोंग ए कर्व्ड पाथ विदाउट रोटेशन, ठीक है, ये आप देख रहे हैं शक्ल में, द ऑब्जेक्ट एज शोन इन द फिगर, ये शक्ल में देख रहे हैं आप लोग, ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक पाथ में मूव कर रहा है लेकिन ये रोटेट नहीं हो रहा, उसकी जो पोजिशन है वो जू की तू है, उसकी जो डायमेंशन है वो जू की तू है, वैसे क्या वैसे ही, समझ आया नहीं है, ये जू का तू है, रोटेट नहीं कर रहा, अपने गिर्द नहीं घूम रहा, पाथ में मूव कर रहा, क्लियर है या नहीं क्लियर? तो द ऑब्जेक्ट एज शोन इन द फिगर मूव्स अलोंग ए कर्व्ड पाथ विद द रोटेशन, दिस इज द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइडर्स मूविंग इन अ फेरिस व्हील एज शोन इन द फिगर आर आल्सो इन ट्रांसलेशनल मोशन, जो लोग ये हम इसे कहते थे आसमानी झूला, ठीक है, लोग इसमें घूमते थे चक्कर लेते हैं ना, तो जो उसके अंदर बैठने की जगह होती है जिस जो लोग वहां बैठे होते हैं वो तो रोटेट नहीं करते, वो तो एज इट इज यून एज ए मूव कर रहे होते हैं, ऐसा ही है ना, वो अपनी जगह पे बैठे बेटा, वो किस पे मूव कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, लेकिन जिस जगह पे वो बैठे होते हैं क्या वो घूमती है ऐसे, क्या वो यूं घूमती है, तो फिर अपने गिर तो नहीं घूमती ना, समझ आ नहीं, जो लोग जिस हालत में बैठे वैसे बैठे रहते हैं, झूला उनको ऊपर भी लेके जाता है और लेकिन वो रोटेट नहीं करते, वो जू के तू ऐसे बैठे रहते हैं, मेरी कुछ बात समझ आ रही नहीं आ रही, वो रोटेट नहीं कर रहे हैं, झूला रोटेट कर रहा है और जिस असल में वो मूव किस पे करता है, सर्कुलर ट्रैक पे, लेकिन खुद रोटेट उनकी पोजीशन चेंज होती है, उनके पांव पहले भी जमीन की तरफ है, हर पॉइंट पे उनके पांव जमीन की तरफ ही है, नहीं समझ आ, वो रोटेट नहीं कर रहे, वो मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ पे बगैर खुद रोटेट किए, समझ आया नहीं है? तो राइडर्स मूविंग इन द फेरिस व्हील सच एज शोन इन द फिगर आर आल्सो इन ट्रांसलेशनल मोशन, देयर मोशन इज इन ए सर्कल विदाउट रोटेशन, वो सर्कल में मूव कर रहे हैं लेकिन बगैर किसी रोटेशन के, बगैर किसी गर्दिश के। ट्रांसलेशनल मोशंस, ट्रांसलेटरी मोशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। जो ट्रांसलेटरी मोशन है इसे इंतकाली हरकत कहते हैं, क्या? ट्रांसलेशनल मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन, ठीक है।
अब पाथ की बेसिस के ऊपर ये जो हम कैटेगराइजेशन कर रहे हैं ट्रांसलेटरी मोशन की, आगे तीन टाइप्स हैं। मोशन की मेजर कितनी टाइप्स हैं? तीन, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी। लेकिन जो ट्रांसलेटरी मोशन है इसकी मजीद आगे तीन टाइप्स हैं। किसके? ट्रांसलेटरी मोशन के मजीद आगे तीन टाइप्स हैं। एक को हम लीनियर मोशन कहते हैं, दूसरी को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं, और तीसरी को हम रैंडम मोशन कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ पाथ। जिस पाथ पे बॉडी मूव कर रही है ना, जिस पाथ पे बॉडी मूव कर रही है। अब देखो, अगर एक बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट पाथ पे, किस पे? पाथ ऑफ मोशन यू बिल्कुल सीधा, तो हम कहेंगे लीनियर मोशन है। इसे रेक्टिलीनियर मोशन भी कहते हैं। कौन सी मोशन? लीनियर मोशन या रेक्टिलीनियर मोशन, ठीक है जी। अब एक बॉडी है किस पे मूव कर रही है? सर्कुलर पाथ पे, लेकिन रोटेट नहीं कर रही, एज इट इज, एज ए रोटेट कर रही। समझ आया नहीं है? अपने कितनी रोटेट कर रही, ट्रैक पे मूव कर रही है लेकिन अपने डायमेंशंस को चेंज नहीं कर। तो ये कौन सी मोशन है? सर्कुलर मोशन है, कि पाथ अब सर्कल की फॉर्म में। जिस पाथ पे बॉडी मूव कर रही है वो पाथ कौन सी फॉर्म में? सर्कल की फॉर्म में है, तो सर्कुलर मोशन हो जाएगी। अब एक बॉडी मूव करते, इधर गई, 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 ऐसा कौन मूव करता? कभी बटरफ्लाई को देखा? नहीं देखा। मक्खी को देखा? ऐसे मूव करती है, नहीं करती, बस जिधर गो उधर गई। जब आप प्ले ग्राउंड में खेल रहे होते हैं तो आपकी मोशन किस तरह की होती है? कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी इधर गए, कभी उधर गए। आपका जो पाथ ऑफ मोशन होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, बिल्कुल सर्कुलर नहीं होता, ज़िगज़ैग होता है, बड़ा इररेगुलर पाथ होता है, ऐसा ही है ना। तो सच सॉर्ट ऑफ मोशन इज कॉल्ड द रैंडम मोशन, इसे हम क्या कहते हैं? और रैंडम का मतलब क्या होता है? बेतरतीब, इसकी कोई तरतीब नहीं है। समझ आया? तो कभी पाथ बिल्कुल स्ट्रेट हो सकता है, कभी पाथ सर्कुलर हो सकता है, और कभी पाथ क्या हो सकता है? ज़िगज़ैग हो सकता है। कभी पाथ क्या हो सकता है? ज़िगज़ैग हो सकता है। प्रॉब्लम किसी को? एनी कंफ्यूजन? मसला नहीं है। सो उजरे वाला ट्रांसलेटरी मोशन की जो तीन टाइप्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द पाथ ऑफ मोशन है। अगर पाथ ऑफ मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा, ये लीनियर मोशन होगी, और अगर पाथ ऑफ मोशन जो है वो सर्कुलर होगा तो ये सर्कुलर मोशन होगी, और अगर पाथ ऑफ मोशन जो है वो बिल्कुल ज़िगज़ैग होगा तो वो रैंडम मोशन होगी। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? सो टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन हमने तीनों देख ली, अब हम इनको वन बाय वन जो है वो डिफाइन करेंगे। अब बेदर्दी, बे अंगम, कोई उसके अंदर ढंग नहीं है, बेडंगी हरकत। रोटेशनल वो अलग टॉपिक है, उसमें बॉडी अपने ही गिर्द रोटेट कर, अपने मरकज के गिर्द, पंखा नहीं है, एक ही पॉइंट पर रहकर अपने गिर्द घूमता है, अपने गिर्द घूमेगा। लेकिन सर्कुलर मोशन में बॉडी अपने गिर्द नहीं घूमती, बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती, अपने गिर्द नहीं। लेकिन जब बॉडी अपने गिर्द घूमना शुरू करते हैं वो गर्दिशी हरकत है, वो रोटेटरी मोशन है। सर्कुलर मोशन में बॉडी मूव करती है सर्कुलर पाथ पे, ये नहीं कि बॉडी अपने गिर्द घूमना शुरू कर देती है, एक हम अपने गिर्द घूमना शुरू कर दूंगा चक्कर, ऐसा रोटेट करना शुरू कर दू, ये और चीज है। एक मैं किसी दूसरी चीज के गिर्द सर्कल में मूव करना शुरू कर दूं, वो और चीज है। उसमें मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं या नहीं जा रहा, लेकिन गर्दिशी हरकत में मैं एक जगह पे खड़े होकर अपने ही गिर्द रोटेट करूंगा, मेरा मेरी मेरी जगह तब्दील नहीं होगी। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर हुआ? तो ये ध्यान देखें, क्या दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच ए बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड लीनियर मोशन। दैट टाइप ऑफ मोशन वो, या दैट टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन इन विच ए बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, और जहां पे मैंने स्ट्रेट लिखा वहां पे क्या लिख दो? सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर मोशन हो जाएगी। और अगर स्ट्रेट की जगह पे ना सर्कुलर लिखू ना स्ट्रेट लिखू, क्या लिख दो? ज़िगज़ैग पाथ, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, रैंडम मोशन, इररेगुलर पाथ कहते हैं, बेतरतीब रास्ता, इज कॉल्ड रैंडम मोशन। ठीक है, अब देखें, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज लीनियर मोशन, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, ये देख, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन है, ये ऊपर से गिरती हुई बॉडी भी स्ट्रेट लाइन पे मूव करती है। कुछ बात समझ आई? क्या स्ट्रेट लाइन मोशन है ये भी क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन, ऊपर से गिरता हुआ जो नीचे की तरफ जिसम आता है वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे आता है। सो इट इज द स्ट्रेट लाइन मोशन एंड दिस इज ऑल्सो द स्ट्रेट लाइन मोशन, एनी प्रॉब्लम?
एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर मोशन, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, फ्रीली आजाद फॉलिंग गिरती हुई बॉडीज, इजसाम आजाद गिरते हुए इजसाम जो है वो क्या है, वो क्या है, लीनियर मोशन परफॉर्म करते हैं। एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर, हवाई जहाज हवा में बिल्कुल सीधा उड़ते हुए स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म करते हैं। क्लियर हो गया। सर्कुलर मोशन, स्टोन टाइड एट द वन एंड ऑफ स्ट्रिंग, कभी घुमाया पत्थर रस्सी के साथ बांधकर, घुमाया कभी नहीं घुमाया। अब पत्थर स्ट्रेट पाथ में मूव करता है लेकिन अपने किधर रोटेट करता है, नहीं करता। अगर अपने किधर रोटेट करे तो वो सारी रस्सी अपने किधर लपेट लेगा, बिल्कुल रोटेट नहीं करता अपने किधर, ठीक है, वो सिर्फ स्ट्रेट पाथ में मूव करता है खुद रोटेट किए बगैर। जैसे मैंने झूले की पालकियों की बात की थी, वो पालकी वैसे की वैसे रहती है एज इट इज, बट आप लोग किस पे मत किस पे मूव कर रहे हो, आप लोग स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे हो। क्लियर हुआ, आप लोग किस पे मूव कर रहे होते हो, स्ट्रेट पाथ पे, लेकिन आप रोटेट नहीं करते, आप अपनी जगह पे बिल्कुल एज इट इज बैठे रहते हो। प्रॉब्लम किसी को, स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ द स्ट्रेट, सॉरी स्टोन 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 टाइड एट द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, स्टोन एक पत्थर टाइड जो बंधा हुआ होता है एट द एंड सिरे पर ऑफ ए स्ट्रिंग, एक रस्सी के, कैन बी मेड टू व्हिर्ल, हम उसे क्या कर सकते हैं, ये घुमा सकते हैं। और वो पत्थर किस पे मूव कर रहा होता है, सर्कुलर ट्रैक पे, अपने गिर्द नहीं घूम रहा होता, किसी ट्रैक पे किसी दूसरी चीज के गिर्द घूम रहा होता, खुद नहीं घूम रहा होता, किसी दूसरी चीज के गिर्द घूम रहा होता। क्लियर हुआ, तो ये ट्रैक जो मोशन का है इस पत्थर की, दैट इज द सर्कुलर ट्रैक, सो देयरफॉर दिस इज द सर्कुलर मोशन। व्हाट अ टाइप ऑफ पाथ इज फॉलोड बाय द स्टोन, जो स्टोन है जब वो मूव करता है किस ट्रैक पे मूव करता है, किस पाथ पे मूव करता है, व्हाट टाइप, किस किस्म का पाथ, रास्ता इज फॉलोड, किस किस्म के रास्ते की पैरवी करता है, गोल दायरा, मतलब दायरा, गोल दायरा नहीं दायरा, दायरा गोल ही होता है, ठीक है, तो ये दायरी बात है, सर्कुलर बात, ठीक है। द स्टोन एज शोन इन द फिगर मूव्स इन अ सर्कल और इन अ सर्कुलर पाथ एंड थस हैज सर्कुलर मोशन। सो डेफिनेशन क्या सर्कुलर मोशन की, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ, एक याद करो बाकी याद हो जाए, इज कॉल्ड, इज नोन एज, इज कॉल्ड, एक ही बात है, इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ये देखे, ये बॉल को देख रहे हो, अपने गिर्द नहीं घूम रही, खुद वैसा ही है, ये दोबारा दिखाऊं, ये सर्कुलर मोशन, सर्कल में मूव करना किसी बॉडी का। क्लियर हुआ, सो दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच ए बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। प्रॉब्लम किसी को, अब ये देखें, ये भी किसी की मोशन का बात है, नजर आ रहा है फिगर नंबर 2.8 में, पहले यहां से यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां पहुंच गया, तो कोई रेगुलर पाथ नहीं है, इरेगुलर पाथ है, ना स्ट्रेट पाथ है और ना सर्कुलर पाथ है। हैव यू नोटिस्ड द टाइप ऑफ मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, हैव यू नोटिस्ड, क्या कभी आपने गौर किया द टाइप ऑफ मोशन, हरकत की किस्म पर आप इंसेक्ट्स, किन की, कीड़ों की, एंड बर्ड्स और परिंदों की, चिड़िया को कभी देखा, यहां से उड़ी वहां चली गई, वहां से उड़ी यहां आ गई, यहां से उड़ी वहां चली गई, होता नहीं होता, होता है ना, ठीक है। तो उनकी जो मोशन का बात है वो कोई तरतीब वाला नहीं होता, इरेगुलर होता है, इरेगुलर बेतरतीब, ठीक है। तो देयर मूवमेंट्स आर इरेगुलर, उनकी जो हरकत होती है वो बड़ी इरेगुलर। बंदर को कभी देखा, रथ पर कभी उतर जाएगा, कभी उतर जाएगा, कभी उतर जाएगा, कभी उतर जाएगा, ऐसा ही है ना, नहीं इजंट इट, ऐसा नहीं होता, तो वो उसकी जो मोशन है वो इरेगुलर पाथ पे, तो इरेगुलर पाथ पे जो पाथ के जरिए से मोशन को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब पाथ इरेगुलर है तो जो ट्रांसलेटरी मोशन है वो इरेगुलर है, वो रैंडम है। द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। डिसऑर्डर्ड का मतलब क्या है, बेतरतीब, इरेगुलर, बेढंगी, सुन रहे नहीं सुन रहे, जो हरकत है किसकी, ऑब्जेक्ट की, इज कॉल्ड रैंडम मोशन। दस मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स इज रैंडम मोशन, लिहाजा जो मोशन है इंसेक्ट्स की और बर्ड्स की वो क्या है, रैंडम मोशन है। द मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स, कभी धुएं को देखा, जब घर में कहीं कोई आपका बड़ा जब सिगरेट पी के धुआं छोड़ता है तो वो धुआं बड़ा बेदर्दी अंदाज में ऐसे 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 घूम घुमा के फिर वो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की शक्लें बनाता है, बात समझ आई नहीं आई, तो वो क्या है, इरेगुलर बात में मुंह करता है धुआं। तो द डस्ट कभी देखा जो गर्द गर्द के पार्टिकल होते हैं, अगर कमरे के अंदर किसी छोटे से सुराख से रोशनी आ रही होती है तो रोशनी के अंदर छोटे छोटे जर्रात नजर आते हैं, उनकी कभी हरकत देखी है, बड़ी अजीबोगरीब गरीब धरती बंदा में कभी इधर कभी उधर जा रहे होते हैं, जा रहे होते हैं ना। सो द मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स
गर्द के या धुएं के जो जर्रात की हरकत होती है इनहेर हवा में इधर रैंडम मोशन द बर्रोनियन मूवमेंट आर मोशन ऑफ गैस आर लिक्विड मॉलिक्यूल्स बर्रोनियन मूवमेंट बच्चे ये जो इररेगुलर मोशन है ना किसकी पार्टिकल्स की चाहे वो पार्टिकल्स किसी गैस के हों चाहे वो पार्टिकल्स धुएं के क्यों ना हों तो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की किसी भी सब्सटेंस के एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बेतरतीब अंदाज में हरकत है उस हरकत को ब्रोनियन मूवमेंट कहते हैं कौन सी मूवमेंट कहते हैं ये ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने जो था इसको डिस्कवर किया था तो इसलिए इसको ब्रोनियन मूवमेंट ऑफ गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स कहते हैं ठीक है तो ब्रोनियन मूवमेंट इररेगुलर जो मोशन है गैस या लिक्विड मॉलिक्यूल्स की अलोंग ए ज़िगज़ैग पाथ एक टेढ़े मेढ़े रास्ते पर सच एज शोन इन द फिगर ये जैसे कि शक्ल में आप सबको नजर आ रहा है ठीक है इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम मोशन प्रॉब्लम कीजिए देखिए जरा कैसी है इरेगुलर पाथ पे मोशन है ना नहीं कुतरती ये बच्चे ज़िगज़ैग पाथ पे मोशन नजर आ रही है कोई तरतीब नहीं है इसके पाथ ऑफ मोशन की तो दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच ए बॉडी मूव्स अलोंग ए ज़िगज़ैग पाथ ज़िगज़ैग का मतलब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता इज कॉल्ड रैंडम मोशन रोटेटरी मोशन जनाब अब आपने कभी फुटबॉल जब बंदा उंगली पे घुमाता तो फुटबॉल अपने गिर्द घूम रहा होता है अपने मरकज के गिर्द घूमता नहीं घूमता जब आप लट्टू कभी घुमाया लट्टू वो जमीन पे पकड़ के ऐसे करके घुमाते हैं तो वो घूमता है और कुछ लोग तो बड़े शौकीन होते हैं वो रस्सी के साथ बांधते हैं उसको और ऐसे मारते हैं और फिर उसको उससे मारते हैं रस्सी से मारते रहते हैं और वो घूमता रहता है ऐसे क्या ना उसको कहते हैं मैं फैंटी लगा रहा हूँ लट्टू घूमता रहता है ना वो बार बार उसको छेड़ते हैं तो वो लट्टू घूमता है कभी खेला उससे नहीं खेला देखा है सो वो जो लट्टू अपने गिर्द घूमता किसके गिर्द अपने गिर्द घूमता समझ आ रही है सो दैट मोशन ऑफ दैट डिवाइस जिसको आप टॉप भी कहते हो मैं लट्टू कहता हूँ हमने तो उर्दू में लट्टू ही पढ़ा हुआ तो वो जो लट्टू है वो अपने गिर्द घूमता है उसकी मोशन कौन सी मोशन है रोटेटरी मोशन है एक ही जगह पर रह के अपने गिर्द घूमता है तो वो भी तो मूव कर रहा है नहीं कर रहा कर रहा ना तो दैट सॉर्ट ऑफ मोशन इसका रोटेटरी सर्कुलर मोशन में बॉडी अपने गिर्द नहीं घूमती जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी घूम रही होती है ना वो बॉडी के अंदर नहीं होता बॉडी के बाहर होता है सर्कुलर मोशन में बॉडी किसी और पॉइंट के गिर्द पूरी बॉडी घूम रही होती है एक स्ट्रेट पाथ पे घूम रही होती है लेकिन जब बॉडी रोटेट करती है रोटेट तो बॉडी अपने ही सेंटर के गिर्द रोटेट करती है वो पॉइंट बॉडी के अंदर होता नहीं बात समझ बॉडी अपने गिर्द रोटेट करती है समझ आया नहीं आया सो स्टडी द मोशन ऑफ अ टॉप स्टडी का मतलब पढ़िए गौर कीजिए मुताला कीजिए किसका द मोशन ऑफ ए टॉप एक लट्टू की हरकत का इट इज स्पिनिंग अबाउट एन एक्सिस वो घूम रहा होता है अबाउट गिर्द एंड एक एक्सिस किसके गिर्द एक बच्चे एक्सिस हम लाइन को भी कहते हैं पॉइंट को भी कहते हैं वैसे पॉइंट को सेंटर कह देते हैं और लाइन को एक्सिस कहते हैं तो वो एक लाइन के गिर्द घूम रहा होता है किसके गिर्द अब वो कैसे मेरी बात गौर से सुनना अगर एक बॉडी एक प्लेन में मूव करती है ना ऐसे सर्कल में ऐसे तो हम तो कहते हैं ठीक है एक पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रही है लेकिन लट्टू थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है बच्चे मेरी बात सुने प्लीज मुझे गौर से सुने आपका बेनिफिट तो बेटा देखें कुछ पॉइंट इस पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रहे हैं कुछ इसके गिर्द 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 तो ये वो लाइन है जिसके गिर्द सारे का सारा लट्टू घूम रहा नहीं बिल्कुल उसके सेंटर से ये लाइन पास हो रही है ऐसा है या नहीं तो अगर एक लाइन के गिर्द को बॉडी रोटेट कर रही है उस लाइन को हम क्या कहते हैं एक्सिस कहते हैं और अगर एक पॉइंट है जिसके गिर्द को बॉडी रोटेट कर रही है हम उसको सेंटर कहते हैं समझ आया नहीं आया तो एक्सिस जब भी हो इसका मतलब कोई थ्री डी ऑब्जेक्ट है कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है और वो रोटेट कर रहा है तो वो एक लाइन का गिर्द रोटेट करेगा उसके बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स है ना तो बॉडी के तमाम पार्टिकल्स इस लाइन के गिर्द रोटेट कर रहे हैं इस लाइन के गिर्द समझ आया नहीं है सो देयरफॉर दिस लाइन इज सेड टू बी द एक्सिस पार्टिकल्स ऑफ द स्पिनिंग टॉप जो जर्रात होते हैं किसके घूमते हुए लट्टू के घूमते हुए लट्टू के जो जर्रात होते हैं मूव इन सर्कल्स वो किसमें मूव करते हैं दायरे में मूव करते हैं ना मैं अगर अपने गिर्द घूमना शुरू कर दूं तो मेरा ये बाजू सर्कल में नहीं घूमेगा घूमेगा भाई ठीक है तो मूव इन सर्कल्स एंड थस इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो इस बॉडी के अंदर जो टॉप है टॉप के अंदर हर पार्टिकल क्या कर रहा होगा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा
पूरा लट्टू अपने गिर्द घूम रहा है, लेकिन हर पार्टिकल जो एक्सिस है उसके गिर्द क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। कौन सी मोशन, समझ आया नहीं है? तो हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, लेकिन पूरी की पूरी बॉडी जो है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द रोटेट नहीं करती, बल्कि अपने एक्सिस के गिर्द, अपने अंदर मौजूद एक लाइन के गिर्द रोटेट करती है। ठीक हो गया? तो पार्टिकल्स ऑफ द स्पिनिंग टॉप मूव इन सर्कल्स एंड थस इंडिविजुअल पार्टिकल्स पोसेस सर्कुलर मोशन। डज द टॉप पोसेस सर्कुलर मोशन? नो। क्यों? बिकॉज द टॉप इज नॉट ऑन मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ। टॉप सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं कर रहा, सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं कर रहा। द टॉप इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, अपने गिर्द रोटेट कर, किसी सर्कुलर पाथ पे मूव तो नहीं कर रहा, नहीं ना? सो देयरफॉर इट्स मोशन इज नॉट द सर्कुलर मोशन, इट इज द रोटेटरी मोशन। द टॉप शोन इन द फिगर स्पिन्स अबाउट इट्स एक्सिस, वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है, पासिंग थ्रू इट, जो उसके अंदर से पास हो रहा है। Thus it possesses the rotatory motion, इसलिए उसकी जो motion है या वो जो मालिक है, जो उसके अंदर मौजूद motion है, वो कौन सी motion है? Rotatory motion है। Definition क्या है? Axis of rotation की, a line around which a body rotates, a line, एक line about which, जिसके गिर्द, about का मतलब यहाँ पे गिर्द होगा, a body rotates, एक body गिर्दिश करती है, is called axis of rotation in circular motion, किसमें? Circular motion में, the point above which a body goes around, वो नुक्ता जिसके गिर्द एक बॉडी रोटेट करती है इज आउटसाइड द बॉडी। सर्कुलर मोशन में वो नुक्ता, वो लाइन जिसके गिर्द को बॉडी रोटेट करती है, वो बॉडी के अंदर नहीं होता, बॉडी के बाहर होता है। ये बहुत बड़ा, अभी डिफरेंस पूछूंगा आपसे रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या फर्क है। तो ये फर्क है कि रोटेटरी मोशन में बॉडी जिस एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है वो एक्सिस बॉडी के अंदर से गुजरता है, और सर्कुलर मोशन में बॉडी जिस एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है वो एक्सिस बॉडी के बाहर होता है। समझ आया? ऐसे लिखा हुआ है इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में द पॉइंट अबाउट विच, वो नुक्ता जिसके गिर्द बॉडी रोटेट कर रही होती है, ठीक है, या बॉडी गोज अराउंड, जिसके गिर्द बॉडी चक्कर लगाती है, इज आउटसाइड द बॉडी, वो जिस्म से बाहर होता है। बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर, हाँ जी। इन रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन में सुन रहे हो, द लाइन अराउंड विच, वो लाइन जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करती है, या बॉडी मूव्स अबाउट, जिसके गिर्द बॉडी चक्कर काटती है, इज पासिंग थ्रू द बॉडी इटसेल्फ, वो बॉडी के अंदर से गुजर रहा होता है। रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन भी देख लें, जो यहाँ पे तो हमने सिर्फ उसकी एग्जांपल्स देखी हैं, यहाँ पे देख लें। कैन यू स्पिन ए बॉल एट द टिप ऑफ योर फिंगर, क्या आप एक फुटबॉल को या बॉल को अपनी उंगली की जो टिप है, जो अपनी उंगली का सिरा है, इसके ऊपर आप लोग उसे रोटेट कर सकते हो? और कभी किया फुटबॉल घुमाया उंगली पे? नहीं घुमाया। बड़े बड़े नौजवान वो करतब दिखाते हैं ना, फुटबॉल को उंगली पे घुमाते हैं और लोगों को दिखा रहे हैं, तो मैं पता, देखो मैं जादू कर सकता हूँ। सो प्रॉब्लम किसी को, द स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस, स्पिनिंग का मतलब घूमने वाली मोशन, हरकत ऑफ ए बॉडी एक जिस्म की अबाउट इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस के गिर्द, इसको कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन, उसकी रोटेटरी मोशन होगी। समझ आ गया? कैन यू पॉइंट आउट सम मोर डिफरेंसेस इन सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन, क्या आप निशानदेही कर सकते हो किसकी? सम मोर डिफरेंसेस, कुछ और किसकी, इख्तलाफात की, या कुछ और फर्क बता सकते हो आप लोग इन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में? पहला फर्क तो डेफिनेशन का, दूसरा फर्क किस चीज का, कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है सर्कुलर मोशन में बॉडी के अंदर एक्जिस्ट नहीं करता, बॉडी से बाहर होता है, और रोटेटरी मोशन में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है बॉडी के अंदर मौजूद होता है, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। और बहुत बड़ा फर्क जो इन दोनों में है वो ये है कि सर्कुलर मोशन जो है इसको कौन कॉज करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस द सर्कुलर मोशन। ठीक है, समझ आया नहीं है? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए, लेकिन रोटेटरी मोशन परफॉर्म करने के लिए टॉर्क चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? ये बहुत बड़ा फर्क है। अब जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ आता जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है और टॉर्क क्या है। जिस दिन आप टॉर्क के टॉपिक तक पहुंचेंगे ना, ये दो फर्क वाजे हो जाएंगे, बिल्कुल वाजे, अब आस्ता आस्ता होंगे। देखिए, आप दूर से एक चीज को देखते हैं तो आपको नजर आता कुछ है, जैसे जैसे आप करीब जाते हैं तो आपको बात समझ आना कि ये क्या है। समझ आया नहीं है? तो आज मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं
रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि रोटेटरी मोशन जो है वो कौन उसका कॉज क्या टॉर्क है. रोटेटरी मोशन इज कॉज बाय द टॉर्क बट द सेंट्रीपिटल फोर्स कॉज इज द सर्कुलर मोशन. क्लियर हो गया. दोनों का कॉज इज डिफरेंट है. प्रॉब्लम किस चीज़ को तो द मोशन ऑफ ए व्हील अबाउट इट्स एक्सिस एंड दैट ऑफ स्टीयरिंग व्हील आर द एग्जांपल्स ऑफ रोटेटरी मोशन. एक टायर जब घूमता है अपने ही एक्सिस के गिर्द तो वो कौन सी मोशन परफॉर्म करता है. टायर का घूमना कौन सी मोशन है. सर्कुलर मोशन है. अपने गिर्द घूम रहा है भाई रोटेटरी मोशन है. स्टीयरिंग व्हील अपने गिर्द घूमता है या किसी और चीज के गिर्द घूमता है. तो भाई रोटेटरी मोशन है यार. द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. अब देखो गौर से सुनना. जमीन सूरज के गिर्द घूमती है नहीं घूमती. देख रहे हो ये सूरज है ये जमीन है. देख रहे हो जमीन क्या करती है सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है. तो ये जमीन का सूरज के गिर्द चक्कर लगाना ये है सर्कुलर मोशन. लेकिन भैया जमीन अपने गिर्द भी घूमती है. जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाने के साथ साथ अपने गिर्द भी रोटेट करती है. दो काम कर रही है. अपने गिर्द भी घूम रही है और दो काम कर सकती है. नहीं कर सकती. कर सकती है ना. तो बच्चे अपने गिर्द रोटेट करने की वजह से दिन और रात होते हैं जमीन पे. देखो जमीन घूम रही है घूमते घूमते जिस हिस्से पे सूरज की रोशनी पड़ती है सूरज सेंटर पे है ना. तो जिस हिस्से पे सूरज की रोशनी पड़ती है वहां पे दिन चढ़ जाता है और जहां पे रोशनी नहीं पड़ती वहां पे रात होती है. तो इससे साबित होता है कि जमीन अपने गिर्द भी क्या करती है रोटेट करती है. क्लियर हुआ. द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन सर्कुलर इज द सर्कुलर मोशन. ठीक है. एंड नॉट द स्पिनिंग और द रोटेटरी मोशन. हाउएवर द मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स जियोग्राफिकल एक्सिस. जमीन की अपने जियोग्राफिकल एक्सिस अपने एक्सिस के गिर्द कौन सी स्पिनिंग मोशन जो है. सुन रहे हो. ओवर द मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस अबाउट इट्स सेंटर. ठीक है. दैट कॉजेस द डे एंड नाइट जिसकी वजह दिन और रात चढ़ते हैं इज द रोटेटरी मोशन. वो रोटेटरी मोशन है. थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द रोटेटरी मोशन. कुछ और मजीद एग्जांपल्स के बारे में मिसालों के बारे में सोचिए रोटेटरी मोशन की. प्रॉब्लम किसी को द स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस. डेफिनेशन समझ आ गई. द मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस अपने एक्सिस के गिर्द किसी बॉडी की जो स्पिनिंग मोशन होगी दैट इज द रोटेटरी मोशन. फॉर एग्जाम्पल ये देखें. ठीक है. अपने गिर्द. ठीक है. किसी और के गिर्द नहीं अपने गिर्द. प्रॉब्लम नहीं समझे. दिस इज द रोटेटरी मोशन. दिस इज द रोटेटरी मोशन. क्लियर. द नेक्स्ट इज वाइब्रेटरी मोशन. द टू एंड फ्रो इधर और उधर जब आप उछलते हैं ये भी वाइब्रेटरी मोशन. ठीक है. कभी झूला लिए नहीं लिए तो झूला क्या करता है आगे पीछे. एक पॉइंट के आगे पीछे. एक पॉइंट है उसके आगे पीछे इधर उधर जो मोशन होती है स्विंग की दैट इज द वाइब्रेटरी मोशन. द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट अबाउट ए द टू एंड फ्रो इधर और उधर मोशन हरकत ऑफ ए बॉडी एक जिस्म की अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट एक फिक्स्ड नुक्ते के आगे पीछे इस कॉल कहलाती है वाइब्रेटरी मोशन. क्लियर हो गया. ये देखें ये पॉइंट है रेड कलर का देख रहे हो पॉइंट इसके गिर्द जो हरकत है दिस इज द वाइब्रेटरी मोशन. प्रॉब्लम किसी को. सो वाइब्रेटरी मोशन कंसीडर अ बेबी इन अ स्विंग एज शोन इन द फिगर एज इट इज पुश्ड द स्विंग मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट इट्स मीन पोजीशन. कंसीडर द बेबी. सुन रहे हो इस बच्चे पे जरा गौर करो. इन अ स्विंग एज शोन इन द फिगर इट इज पुश्ड क्या या एज इट इज पुश्ड जब हम इस बच्चे को जैसे हम इस बच्चे को धक्का देते हैं. ठीक है. द स्विंग मूव्स बैक एंड फोर्थ जो स्विंग है जो झूला है वो आगे और पीछे हरकत करता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन इस पॉइंट के गिर्द जिस जगह पे बच्चा बैठा हुआ. सुन रहे हो. इसको हम क्या कहते हैं मेन पोजीशन कहते हैं. कौन सी पोजीशन कहते हैं. ये जिस जगह पे बच्चा बैठा हुआ है और झूला इसके आगे पीछे हरकत करता है. समझ आया नहीं है. तो द मोशन ऑफ द बेबी रिपीट्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम थ्रू द अदर एक्सट्रीम विद दिस. ये देख झूला यहां पे जाएगा इंतहाई मुकाम पे फिर वापस आएगा फिर दूसरे इंतहाई. इन्हें कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन. नहीं समझ आया. झूला ज्यादा से ज्यादा कितना ऊपर जा सकता है मीन पोजीशन से. सुन रहे हो बात समझ आई नहीं आई. मीन पोजीशन क्या है जिस जगह पे झूला पहले रुका हुआ था. ठीक है. एक्सट्रीम पोजीशन क्या था हाईएस्ट पॉइंट अप टू विच जो आपका झूला वो जा सकता है. ठीक है.
जहां तक आपका झूला वो एक्सट्रीम पोजिशन है, फिर वहां से दूसरी एक्सट्रीम, तो दो एक्सट्रीम पोजिशन के दरमियान में झूला क्या करता है? वाइब्रेट करता है, ठीक है। द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन द आइदर साइड ऑफ मीन पोजिशन, मीन पोजिशन के किसी भी तरफ जो ज्यादा से ज्यादा फासला आपका झूला तय कर, वो क्या एक्सट्रीम पोजिशन। समझ आया नहीं है? सो डेफिनेशन फ्रॉम द बुक है द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज नोन एज द वाइब्रेटरी मोशन। फिगर आपको बता रही है, शुगर फिगर शोज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक अबाउट इट्स मीन पोजिशन, इट इज कॉल्ड द वाइब्रेटरी मोशन। ये शक्ल है, कभी आपने क्लॉक का पेंडुलम देखा? ऐसे 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 मूव करता रहता है। तो फिगर शोज द टू एंड फ्रो मोशन, शक्ल जो है वो इधर उधर हरकत को दिखा रही है, ऑफ द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक अबाउट इट्स मेन पोजिशन, इट इज कॉल्ड द वाइब्रेटरी मोशन। प्रॉब्लम, वी कैन फाइंड मेनी एग्जाम्पल्स, हम ढूंढ सकते हैं बहुत सारी मिसालें वाइब्रेटरी मोशन अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द। लुक एट द चिल्ड्रन इन ए सीसा, देख रहे हो बच्चे सीसा खेलते हैं नहीं खेलते? तो लुक एट द चिल्ड्रन, बच्चों को देखिए और कीजिए उन बच्चों पे, इन ए सीसा एज शोन इन द फिगर, हाउ द चिल्ड्रन मूव एज दे प्ले सीसा गेम, बच्चे कैसे मूव करते हैं? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे मूव करते हैं, दैट इज आल्सो द वाइब्रेटरी मोशन। डू दे पोसेस वाइब्रेटरी मोशन एज दे मूव द सीसा? यस, दे पोसेस द वाइब्रेटरी मोशन एज दे मूव द सीसा। ए बेबी इन क्रेडल मूविंग टू एंड फ्रो, एक बच्चा जो किस में होता है? झूले में, पंगूड़ा कहते हैं ना उसे, क्रेडल पंगूड़े को कहते हैं। और कभी कभी तो वादा अपना दुपट्टा वो चारपाई की शर्ट पर बांध के भी उसमें बच्चों को देते हैं, झूला नहीं देते। सो वो जो मोशन है दैट इज द वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। सारों ने झूले लिए नहीं लिए? तो बेबी इन ए क्रेडल मूविंग टू एंड फ्रो आल्सो परफॉर्म्स द वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द हैमर ऑफ ए रिंगिंग इलेक्ट्रिकल बेल, जो थोड़ा होता है बैल का, ऐसे ऐसे मारते हैं ना, ऐसे ऐसे आगे पीछे बजता नहीं बजता इलेक्ट्रिकल बैल का भी। तो द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द हैमर, थोड़े की हरकत अब रिंगिंग इलेक्ट्रिकल बैल, एक बजती हुई जो आपकी घंटी होती है। एंड द मोशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ए सितार, एक सितार कभी देखा वो बड़ा सा वो ऐसे हाथ से चलाते हैं उसकी तारों को घुमाते हैं ना, जैसे नहीं गिटार होता है इस फॉर्म का, लेकिन वो एक बड़ा अजीब गरीब शक्ल का, उसका एक पेड़ सा नीचे बना हुआ होता है ना, तो वो जो है उसकी जो तारों की हरकत है, गिटार की तारों की हरकत जो है, ठीक है। द मोशन ऑफ द स्ट्रिंग्स ऑफ ए सितार आर सम एग्जांपल्स ऑफ द वाइब्रेटरी मोशन, ये कुछ मिसालें हैं वाइब्रेटरी मोशन की। सो इसी के साथ आज का हम लेक्चर जो है उसे क्लोज करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान।